ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਐਸਐਚਓ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया। थाना कोर्ट इसे खां की एसएचओ अर्शप्रीत ते यह मामला दर्ज होया। थाना कोर्ट इसे खां के चौंकी बल मंडी के मुंशी का भी ना इस शामिल दसिया जा रहा है। एसएचओ ने 1 अक्टूबर को यह बरामद की 2 किलो अफीम। पूरा मामला थोनू दस दिए कि नाकेबंदी के दौरान दसिया जा रहा है कि पुलिस के वलों एक अमरजीत नाम के शख्स को 3 किलो अफीम समेत गिरफ्तार किया। उसके नाल उसका बेटा अते उसका भरा दसिया जा रहा है, जिसनों की छड़न दे लई दसिया जा रहा है कि 8 लाख रुपए का सौदा तय होया सी, पर करदे कराउंदे गल 5 लाख रुपए ते आ गई, जिस दे विच अमरजीत सिंह ते ही कला मामला दर्ज हुंदा है, वह भी सिर्फ 2 किलो अफीम का, जबकि फड़ी 3 किलो अफीम हुंदी है, नाल उसका बेटा हुंदा है ते नाल ही उसका भरा हुंदा है। यानी कि बेटा अते भरा नूं छड़न दे लई 8 लाख रुपए का सौदा तय हुंदा है। तो सौदा तय के मुताबिक दसिया जा रहा है कि 5 लाख रुपए दिते गए, जिस तो बाद यह मामले का सारा ही भेत खुलता है। तो हुण मोगा की लेडी एसएचओ अर्शप्रीत कौर गरेवाल के उत्ते मामला दर्ज किया गया। तो इस दे नाल ही दसिया जा रहा है कि 4 होर लोग ने जिन्हों के उत्ते यह एफआईआर दर्ज की गई है। इतों तक कहा जा रहा है कि जो अमरजीत सिंह नाम का शख्स है उसके को 3 किलो अफीम फड़ी सी, पर उसके उत्ते जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया वह सिर्फ 2 किलो अफीम का ही किया गया। तो पुलिस हुण इस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब पुलिस की एक लेडी एसएचओ के उत्ते 5 लाख रुपए रिश्वत लैके एक नशा तस्कर नूं छड्डण दे इल्जाम लगे ने। जी हाँ, दस दिए कि सवालों के घेरे के आई है मोगा की लेडी एसएचओ अर्शप्रीत कौर गरेवाल, जिसने उत्ते इल्जाम लगे ने कि 5 लाख रुपए लैके नशा तस्कर नूं छड्डिया है। तो मोगा की लेडी एसएचओ समेत 5 लोगों के उत्ते एफआईआर दर्ज की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया। थाना कोर्ट इसे खां की एसएचओ अर्शप्रीत ते यह मामला दर्ज होया है। थाना कोर्ट इसे खां के चौंकी बल मंडी के मुंशी का भी ना इस शामिल दसिया जा रहा है। एसएचओ ने 1 अक्टूबर को यह बरामद की 2 किलो अफीम। पूरा मामला थोनू दस दिए कि नाकेबंदी के दौरान दसिया जा रहा है कि पुलिस के वलों एक अमरजीत नाम के शख्स को 3 किलो अफीम समेत गिरफ्तार किया। उसके नाल उसका बेटा अते उसका भरा दसिया जा रहा है, जिसनों की छड़न दे लई दसिया जा रहा है कि 8 लाख रुपए का सौदा तय होया सी, पर करदे कराउंदे गल 5 लाख रुपए ते आ गई, जिस दे विच अमरजीत सिंह ते ही कला मामला दर्ज हुंदा है, वह भी सिर्फ 2 किलो अफीम का, जबकि फड़ी 3 किलो अफीम हुंदी है, नाल उसका बेटा हुंदा है ते नाल ही उसका भरा हुंदा है। यानी कि बेटा अते भरा नूं छड़न दे लई 8 लाख रुपए का सौदा तय हुंदा है। तो सौदा तय के मुताबिक दसिया जा रहा है कि 5 लाख रुपए दिते गए, जिस तो बाद यह मामले का सारा ही भेत खुलता है। तो हुण मोगा की लेडी एसएचओ अर्शप्रीत कौर गरेवाल के उत्ते मामला दर्ज किया गया। तो इस दे नाल ही दसिया जा रहा है कि 4 होर लोग ने जिन्हों के उत्ते यह एफआईआर दर्ज की गई है। इतों तक कहा जा रहा है कि जो अमरजीत सिंह नाम का शख्स है उसके को 3 किलो अफीम फड़ी सी, पर उसके उत्ते जो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया वह सिर्फ 2 किलो अफीम का ही किया गया। तो पुलिस हुण इस मामले की जाँच कर रही है।